हाय गाइस, मैं महेंद्र पात्रा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मैं एक गरीब बंदा हूँ गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो है मेरे को थोड़ा इनकम हो। मेरे को इनकम करने का कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो गाइस मैं यूट्यूब में नहीं आता। मेरे को इनकम करने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बाज़ार पर गया था, दुकान गया था, वहाँ बोला दुकान खोल के झाड़ू मारने सकेगा, पर मैंने बोला नहीं सकूँगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा मेरा तुमको रख के। ऐसे ही हम घूमे थे, एक चप्पल दुकान, कपड़ा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों भी गए थे। इलेक्ट्रिक पहले जब ठीक थे तो इलेक्ट्रिकल दुकान में काम कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल दुकान में दुकान खोल के झाड़ू उड़ू मार के फिर जो वहाँ पर काम भी कर रहे थे। तुम काम तो कर लेगा बोलो, लेकिन दुकान खोल के झाड़ू उड़ू मारने तो तुम नहीं सकेगा। उसी में गए मेरे को काम नहीं देगा बोला बोलो। तो अभी मैं यही यूट्यूब में आया हूँ, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो वॉच कर दीजिए थोड़ा, कि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। और आज फल वाला का वीडियो बनाने वाला हूँ, ये फल दुकान कैसे खोलता है, क्या करता है, कैसे चलाता है, वही सब सब ये करने वाला हूँ, उसका बारे में थोड़ा आज बताना होगा। आज इसका भाई आया है गाइस, ये बड़ा भाई आज दुकान खोल रहा है। शाम को इसका छोटा भाई आएगा लग रहा है। ये फल बेचता है गाइस, लेकिन ये ईमानदार लड़का है, ये ठीक बेचता है। ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर आदमी से ज़्यादा दाम ले और बढ़िया आदमी से कम दाम ले, ऐसे नहीं करता। तो सबको एक ही दाम बताता है गाइस। सड़ा हुआ जो भी माल निकलता है उसको साइड में रख देता है। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी आए तो उसको सड़ा माल समझा दें और बढ़िया आदमी को बढ़िया माल, खराब आदमी को खराब माल, ऐसे नहीं करता है वो गाइस। सबको बढ़िया ही माल देता है, दाम वही सबका जैसे ही रहता है, पर बढ़िया माल रहता है, एक ही उसका पास अंतर है। खड़ा पचा खराब माल सब वो साइड में रख देता है पहले ही, उसके बाद वो दुकानदारी करना स्टार्ट करता है। तो एक तो कस्टमर आ गया है गाइस, केला लेगा शायद। तो उसका पौनी अभी हो जाएगा, कस्टमर उसके पास आता है, उसको जो जानता है वो वहीं से सामान लेता है, दूसरा वहाँ नहीं जाता है। छेठो केला लेगा, छेठो केला मतलब उसका 20-25 रुपया का हो गया। और अभी सेव भी लेगा शायद भाई, तो सेव भी लेगा मतलब जो है उसका 60-70 रुपया का हो गया बौने। तो अच्छा, अगर आप ईमानदार से बिजनेस करेंगे, अच्छा बातचीत रखेंगे, स्वभाव बढ़िया रखेंगे, तो आपके पास तो हर कोई आएगा बिजनेस में, सब कुछ हो गई। शाम को फिर उसका भाई आएगा, उसका भाई शाम को रहेगा, ये दोपहर में जाएगा खा पी के, फिर जो है शाम को थोड़ा घूमने के लिए आएगा, वो दोनों मिलकर बंद करके फिर घर चल जाएगा। स्वभाव अच्छा रखेंगे तो आपके पास हर कोई आएगा। आप दुकानदारी करने के लिए तो कहीं भी कोई भी दुकान खोलिए, स्वभाव अच्छा रखना ही पड़ता है, वरना कस्टमर सब बोलेगा ये तो बहुत किचिर करता है, झगड़ा करता है, इसका पास कोई नहीं आएगा। इसीलिए स्वभाव अच्छा रखना पड़ता है, तभी जाके कस्टमर आता है। और ये लड़का भी जगह जैसे ही है, स्वभाव इसका बहुत अच्छा है, माल भी बहुत अच्छा रखता है, ऐसा नहीं कचरा उचरा सड़ा माल सब रख के बेचता है। ये पिछले जो है करीबन में भी तो छोटा से यहीं पर है, छोटा में जो था वहाँ चौक में उसका जीजा का दुकान में बैठता था, और अभी अपना ठेला खोल लिया, अभी शादी कर लिया है, इनकम फैमिली चलाने में थोड़ा दिक्कत भी तो होता है, इनकम भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो अपना दुकान खोल लिया है और अपना दुकान में अभी दुकानदारी करके पैसा कमाता है, उसी से उसका घर चलता है। उसका माँ बाप भी गाँव में है, गाँव में अपना घर है उसका, तो वो वहाँ पर भी पैसा बेचता है। उसका माँ बाप गांव में कोई साधन नहीं है गाइस, वहाँ कमाने का भी कोई ये नहीं है, दुकान दुकान कुछ चलता ही नहीं है उधर। गांव में 20-25 घर हो गए, वैसे बिहार में लोगों का गांव है, तो वहीं पर उसका पूरा फैमिली वहीं पर है। और वो अपना बीवी को बच्चा को यहाँ लेके आया है, उसको भी तो गाइस यहाँ खाना पकाने के लिए कोई चाहिए, और अपने से वो कैसे करेगा,